आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 रेसिपीज़ जो कि पाइनएप्पल से बनी है। आजकल मार्केट में बहुत पाइनएप्पल आ रहा है, तो आपको ये 3 रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही कम टाइम में इजीली बनके ये रेडी हो जाती हैं। लेट्स सी द रेसिपीज़। जो फर्स्ट रेसिपी है वो है पाइनएप्पल श्रीखंड। इसके लिए आपको एक बोल के अंदर कुछ सैफ्रन स्ट्रैंड्स यानी कि केसर के स्ट्रैंड्स पानी के अंदर सोक करें कुछ 30 मिनट्स के लिए। इसके बाद एक बोल के अंदर हंग कर्ड आप ले सकते हैं, ये मेरा घर का बना हुआ है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और इसके बाद उसके अंदर कुछ पाइनएप्पल के पीसेस डालें और फिर थोड़े से पिस्ता डालें उसके अंदर, और देसी खांड या फिर पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। और जो हमने पानी सोक करा था केसर वाला, आप इसके अंदर वो डालें। मुझसे थोड़ा सा पानी ये ज़्यादा हो गया था, आप इसे कम डालें और इसे जेंटली मिक्स करें, तो ये बहुत ही थिक पाइनएप्पल श्रीखंड बनकर आपका रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप इसे गार्निश करें पिस्ता पाउडर के साथ, और ये हमारा ठंडा ठंडा चिल्ड बनके रेडी हो गया। नेक्स्ट रेसिपी है पाइनएप्पल रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमने एक ब्लेंडर के अंदर कुछ पाइनएप्पल के पीसेस डाले, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर हाफ बनाना, आप एक बनाना भी ले सकते हैं, वो डालें। इसके बाद चिल्ड कर्ड या नॉर्मल कर्ड रूम टेम्परेचर पे, और थोड़ा सा पानी डालें इतना कि ये ब्लेंड हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसके बाद इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें हाई स्पीड के ऊपर। ये कुछ इस तरह से पाइनएप्पल स्मूदी बनके ये रेडी हो गई। आप इसे पोर करें सर्विंग ग्लास के लिए और चिल्ड या फिर रूम टेम्परेचर पे सर्व करें। जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है पाइनएप्पल दाल। ये भी बहुत ही डिलीशियस खट्टी मीठी दाल है। आपको ये चावलों के साथ या फिर आप इसे प्लेन चपाती के साथ, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपकी फैमिली में बच्चे इसे ज़रूर लाइक करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना ज़्यादा डिलीशियस है। इसे बनाने के लिए एक बोल के अंदर मैंने अरहर की दाल यानी कि तूर दाल को मैंने सोक करा 30 मिनट्स के लिए। ये दाल मैंने पहले से ही वॉश कर रखी थी। इसके बाद इसको मैंने साफ़ पानी डाला और इसे सोक करा। इसके बाद एक प्रेशर कुकर के अंदर मैंने ये दाल डाली, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैंने बंद करके 3 से 4 आप इसे विसल्स यानी कि सीटी लगाएंगे ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह से ये दाल मैश हो जाए, प्रॉपरली ये कुक हो जाए। इसके बाद आप एक पैन के अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर जीरा, करी लीव्स, रेड ड्राई चिली, लाल सूखी मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये घर का बना हुआ है, आप इसे 2-3 मिनट के लिए आप इसे कुक करेंगे। जब इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आप इसके अंदर कटे हुए टमाटर डालें और इसके बाद अच्छी तरह से इसे कुक करें जब तक कि टमाटर का अच्छा सा फ्लेवर अरोमा ना आ जाए। आप इसके बाद इसमें हल्दी, आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद हम इसके अंदर ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर यानी कि शक्कर डाला और उसे थोड़ा सा मिक्स करा। इसके बाद इमली का पानी 2 चम्मच, ये आप ऊपर नीचे रेशो कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे। फिर जो पाइनएप्पल की पीसेस हैं, कटे हुए चॉप पाइनएप्पल पीसेस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने ये हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई। फिर हमने दाल जो कुकर के अंदर बनाई थी वो हमने पैन के अंदर डाली और इसे अच्छी तरह से मिक्स करा। फिर इसे हम लिड लगा के ढक देंगे और 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि पाइनएप्पल और जितने भी मसाले हैं वो बन जाएं। फिर हमारा टाइम आया टेम्परिंग बनाने का। इसके अंदर एक पैन के अंदर मैंने घी डाला, थोड़ा सा करी लीव्स, इसके बाद थोड़ी सी देगी मिर्च या पेपरिका जिसे आप बोलते हैं, इसका तड़का लगाएंगे और जो हमारा पैन था उसके ऊपर हमने डाल दिया। लिड हटाई और हमने टेम्परिंग जो है दाल के ऊपर डाल दी। इसके बाद आप चाहे तो कोरिएंडर यानी कि धनिए के पत्ते के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। और हमारी पाइनएप्पल दाल बनके रेडी हो गई है। आप इसे चावलों के साथ, दाल के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने ये पम्पकिन दाल बिल्कुल नहीं कभी खाई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगी, आपको और आपकी फैमिली को। इन्जॉय।